वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कई बार हम पूरा वीक रोटी सब्जी खाकर बहुत बोर हो जाते हैं और मन करता है कि हम वीकेंड पर कुछ अच्छा खाएं, कुछ स्पेशल खाएं, जिसके लिए हमें कई बार बाहर जाने का भी मन नहीं करता है। मन करता है यार कुछ घर पर ही बना लें जो झटपट तैयार भी हो जाए और टेस्टी भी हो। तो बस आज हम बनाएंगे सेजवान फ्राइड राइस। और हाँ, ये एक इंडो चाइनीज़ रेसिपी है और चाइनीज़ तो सभी को बहुत पसंद होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम मॉर्निंग में राइस बनाते हैं और जो बच जाते हैं तो हमारा इवनिंग में उनको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, या आप रात में बनाते हैं तो उनको आपको सुबह खाने का मन नहीं करता। तो आप बस अपने बचे हुए चावलों को इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं बिना देरी किए, आ जाइए। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आपको पता ही आपको क्या करना है, जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नीचे जो बेल आइकन बटन आता है ना, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने फ्राइड राइस बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स ली हुई हैं, जिसमें स्प्रिंग अनियन है, रेड येलो एंड ग्रीन कैप्सिकम है और उसी के साथ गाजर, बीन्स, मटर, कॉर्न है और थोड़ा सा गार्लिक है। दो तीन ग्रीन चिलीज़ मैंने फाइनली चॉप्ड करके ली हुई हैं। उसी के साथ मैंने यहाँ पर टमाटो केचप, सेजवान सॉस और रेड चिली सॉस लिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर मैंने ये 2 कप चावल थे, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम चावलों को बनने के लिए रख देते हैं। आपके पास अगर सुबह के बचे हुए चावल हैं तो आप उसे भी रीयूज़ करें। अब मैंने यहाँ पर कुकर में पानी चढ़ा दिया है और हम यहाँ चावलों को बॉईल करेंगे। इसमें आपने पहले भी मेरे एक वीडियो में देखा होगा कि मैं इसी तरीके से चावल बनाती हूँ। जब हमारा चावल यहाँ पक जाएगा तो हम इसको ड्रेन आउट कर लेंगे और मैं यहाँ पर चावल को सिर्फ 80-90% तक ही कुक करूँगी। तो अब यहाँ हमारे चावल हमने पानी में डाल दिए हैं और इसी के साथ यहाँ पर मैं 1 चम्मच इसमें ऑयल डालूंगी। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाला हुआ है और उसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक लिया हुआ है। तेल या घी डालने से हमारे चावल बहुत ही अच्छा खिला खिला बनता है। तो आप चाहें तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे चावल को बनने में करीब 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो आप इस तरीके से फ्राइड राइस अपने घर में बनाकर ट्राई कीजिए और इनका एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आता है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये सेजवान फ्राइड राइस आपने घर में बनाए हैं। और 15 मिनट बाद अब मेरे चावल बन गए थे तो मैंने इनको यहाँ पर इस तरीके से छानकर प्लेट में निकाल लिया है और इस तरीके से हम इनको चारों तरफ फैला देंगे जिससे कि ये ठंडे हो जाएँ, तो हमें बनाने में काफ़ी आसानी होगी। अब मैंने यहाँ गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैं करीब 1 चम्मच के आसपास में तेल डालूंगी। हम इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे क्योंकि फ्राइड राइस में ज़्यादा ऑयल फिर अच्छा नहीं लगता है। मैं यहाँ नॉर्मल ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, सनफ्लावर ऑयल का। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो चलिए इसमें हम सबसे पहले अपना गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ को डालकर 1 मिनट तक सौते करेंगे और ये सारे वेजिटेबल्स हम हाई फ्लेम पर सौते करेंगे। अब हम 1 मिनट तक इसको अच्छे से चला लेंगे जब तक कि हमारा गार्लिक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब आप देख सकते हैं कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम स्टेज पर इसमें अपने स्प्रिंग अनियंस ऐड कर देंगे। इनको भी मैं 1 मिनट तक सौते करूंगी और ये सारी वेजिटेबल्स आपको हाई फ्लेम पर ही सौते करनी है क्योंकि हमें इनको एकदम गलता हुआ नहीं पकाना है, हमको इनको थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। 1 मिनट तक इसको चलाने के बाद हम इसमें अपनी कैप्सिकम्स ऐड करेंगे। जो 3 कैप्सिकम हमने कट करके रखी हुई हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती हैं फ्राइड राइस में और एक बहुत ही अच्छा कलरफुल सा टेक्सचर देती हैं। मुझे तो ग्रीन और येलो कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम बहुत पसंद आती है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इनको भी हम 1 मिनट तक सौते करेंगे, हमें ज़्यादा इनको गलाना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी वेजिटेबल्स क्रंची ही होनी चाहिए और वही फ्राइड राइस में अच्छी भी लगती हैं। मैं यहाँ इसमें अपनी बाकी की वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी और इसमें कैरेट है, बीन्स है, कॉर्न है और मटर है। इनको भी मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छे से चलाऊंगी और इसके बाद फिर हम इसमें अपने सॉस ऐड करेंगे।
तो अभी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, तो चलिए हम इसमें अपने तीनों सॉस जो हमने लेके रखे हुए हैं वो हम ऐड कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर करीब 1.5 चम्मच रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। उसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच सेजवान सॉस ऐड किया हुआ है। आपको जितना भी पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सोया सॉस डाला है। अब मैं इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम इनको 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से पकाएंगे, जिससे हमारे सॉस का फ्लेवर सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें अपने राइस ऐड करेंगे। तो अब मैं यहाँ धीरे धीरे करके अपने राइस इसमें ऐड कर रही हूँ। आप एकदम से ऐड मत कीजिए, अगर आपके राइस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप भी थोड़ा थोड़ा कर कर इसको ऐड कीजिए। अब हम अपने राइस को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बस आप इनको हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि आपके सारे चावल सॉस और सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते और एक अच्छा सा टेक्सचर इनमें नहीं आ जाता है। तब तक आप इनको लगातार चलाते रहिए। यहाँ हम इनको 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से चलाएंगे और हमारे फ्राइड राइस ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। लास्ट में मैंने इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच टमाटो केचप ऐड किया हुआ है, जो मैं आपको बताना भूल गई थी और वो क्लिप भी शायद यहाँ पर कहीं मिस हो गई है। तो बस 2 से 3 मिनट तक हम इसको और चलाएंगे और यहाँ हमारे फ्राइड राइस बनकर तैयार हो गए हैं। हम इनको स्प्रिंग अनियन से गार्निश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब तो अच्छे लग रहे हैं ना, ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बने हैं और इनका कलर भी एकदम वैसा आया है। तो आपको पता ही है अब आपको क्या करना है। अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने तो यहाँ अपनी प्लेट सजा ली है, बस आप भी जाइए इनको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।